हेलो दोस्तों, अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ रही है और आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो, लोन लेने के लिए आपने बड्डी एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लिया है, क्या बड्डी एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हो, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आप बड्डी लोन से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कैसे करोगे, यहाँ से आपको कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है, ईएमआई आप कितने महीने की बना सकते हो और चार्जेस क्या रहने वाले हैं और मेन पॉइंट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। अगर आप इससे लोन अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप बड्डी एप्लीकेशन लोन लेने की सोच रहे हो या फिर आप लोन अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना और ध्यान समझना है। मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं और उसके बाद मैं अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको लाइव करके दिखाऊंगा। आप अगर इस वीडियो को एक बार पूरा देखोगे तो यहां से आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। और देखो, मैं यहाँ पे आपको एक बार साफ साफ क्लियर कर देता हूँ कि बड्डी एप्लीकेशन आपको डायरेक्ट लोन प्रोवाइड नहीं करता है। बड्डी एप्लीकेशन क्या करता है कि देखो, सबसे पहले वो आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करता है, आपके सिविल स्कोर को चेक करता है, उसके आधार पर जो कंपनी आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है वो कंपनी वो आपके सामने सजेस्ट कर देता है। इस तरीके से बड्डी एप्लीकेशन आज के टाइम पर वर्क कर रहा है, वो आपको खुद लोन नहीं देगा लेकिन दूसरे कंपनी से लेंडिंग पार्टनर से लोन दिलवा देता है। इस तरीके से आपको यहाँ से लोन मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इससे आपको लोन अप्लाई कैसे करना है, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो, और इस वीडियो में बात करेंगे बड्डी एप्लीकेशन से पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करना, इससे आपको पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करना, कैसे आपको लोन मिलेगा, पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब बात कर लेते हैं इससे आपको लोन अप्लाई कैसे करना है, वो तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में आपको थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने इसको ऊपर की साइड में स्क्रॉल कर दिया। तो अगर आप इस एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग की बात करें तो आज के टाइम पर 10 मिलियन प्लस की डाउनलोडिंग पर साफ साफ मेंशन किया गया है। अभी के टाइम पर 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स है जो कि बड्डी लोन को अभी के टाइम पर यूज कर रहे हैं और पर्सनल लोन ले रहे हैं। और अगर आप रेटिंग की बात करें तो इस एप्लीकेशन को 4.5 की एक अच्छी खासी रेटिंग संख्या मिली हुई है। तो यहाँ पर आपको 99% चांस होते हैं यहाँ पर आपको लोन मिलने के। बहुत सारे लेंडिंग पार्टनर्स हैं बड्डी एप्लीकेशन के, तो अगर आप एक बार सही तरीके से अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको लोन 100% में कह सकता हूँ कि आपको लोन मिल ही जाएगा, लेकिन आपको सही तरीके से अप्लाई करना है। अब बात कर लेते हैं इससे आपको लोन अप्लाई कैसे करना है, वो तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ से आप कितनी ईएमआई बना सकते हो, जो आपको लोन मिलेगा उस पर आपका इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है, ईएमआई क्या रहेंगे, चार्जेस क्या रहने वाला है, अगर पेमेंट लेट हो जाता है क्या चार्जेस रहना है, ये सब कुछ आपको जानना है। तो मैंने इसको ऑफिशियल आर्टिकल पर क्लिक कर दिया, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो देख सकते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में आप इसका आर्टिकल दिया गया है, इसमें सारा कुछ मेंशन किया गया है। जैसे कि अगर आप लोन अमाउंट की बात करें तो आप साफ साफ मेंशन किया गया, मिनिमम आपको 5,000 रुपये का लोन अमाउंट मिल जाता है, मैक्सिमम 15 लाख तक का भी लोन मिल सकता है। इस एप्लीकेशन से आपको मैक्सिमम 15 लाख तक का भी लोन मिल जाता है। आपको कितना मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, ये तो मैं अभी अप्लाई करूंगा तब मुझे पता चल जाएगा, लेकिन इसका दावा 15 लाख तक के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और देखो, यहाँ पे दिखाया गया, जैसे अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिखाया गया है 11.99%, आपका इंटरेस्ट रेट इतना स्टार्टिंग इसकी ही रहने वाली है 11.99%। और अगर आप ईएमआई की बात करें तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया, आप मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 5 साल तक की आप ईएमआई बना सकते हो, 5 ईयर तक की आप ईएमआई बना सकते हो और आप अपने लोन के पैसे को आसानी से पे सकते हो, टेंशन फ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देख सकते हैं आप एग्जांपल दिए गए, एग्जांपल कैलकुलेशन, जैसे कि देखो अगर आप इससे अगर आप 1 लाख का लोन ले रहे हो तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया जो आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा वो आपका 13% रहने वाला है और जो आपकी प्रोसेसिंग फीस रहेगी वो आपको 2% रहने वाली है, जीएसटी आपकी इतनी रहने वाली है, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। और देख सकते हैं साफ साफ मेंशन किया गया जो मंथली ईएमआई बनेगी वो आपकी इतनी ईएमआई बनने वाली है 8,932 रुपए की। टोटल आपको जैसे अगर आप 1 लाख का लोन लोगे तो आपको 110,129 रुपए पे करनी है इस तरीके से। तो आप अपने बजट के हिसाब से ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हो, सारा कुछ ब्यूरो आप देख सकते हो, क्या चार्जेस पड़ रहा है, आप इतना दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। और देख सकते हो सब मेंशन किया गया, जैसे देखो इसके बहुत सारे लेंडिंग पार्टनर्स हैं जो कि आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड करा देती हैं और सारा प्रोसेस डिजिटल होने वाला, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, सारा प्रोसेस मोबाइल से कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो मिनिमम आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए, कम से कम आप 21 साल के होने चाहिए और आपके पास एक आधार कार्ड एक पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है तो आप अभी के अभी लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इससे आपको लोन अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको बड्डी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको ओपन पर क्लिक करना है, ओपन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब आपको क्या करना है, मेरे हर एक स्टेप को ध्यान से समझना है। देखो अगर आपने ये एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम पर डाउनलोड किया है तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस नहीं आएगा। देखो मेरे सामने तो बड्डी एप्लीकेशन डायरेक्ट यहाँ पर ओपन हो चुका है, लेकिन आप पहली बार इसको डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस नहीं आएगा। आपके सामने आएगा मोबाइल नंबर से लॉगिन करने का ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर इस तरीके से आपका बड्डी एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा, आपके सामने ये पेज आ जाएगा सेम टू सेम। अब आपको ऐसे लोन अप्लाई कैसे करना है उस बात को ध्यान समझना।
अब आपको क्या करना, आप इसमें लॉग इन हो चुके हो। उसके बाद सिंपली आपके सामने ऊपर ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर ए लोन, इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं। एंटर योर लोन अमाउंट और ईमेल, आप कितने अमाउंट का लोन लेना चाहते हो, आपको कितने पैसे की जरूरत है, वो आपको लोन अमाउंट आपको यहाँ पर डाल देना है। 10,000, 20,000, 50,000 जितने का लोन लेना है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी को डाल देना है, जो कि मैं ऑलरेडी डाल के रखा हुआ हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लोन अमाउंट डाल देना, जैसे मुझे लोन लेना है मैक्सिमम 25,000 की मुझे जरूरत है, तो मैंने 25,000 डाल दिए। इस तरीके से आपको लोन अमाउंट डाल देना है, यहाँ पर एक ईमेल आईडी को फिल करना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, अभी थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, व्हाट टाइप ऑफ लोन, आप किस तरीके का लोन लेना चाहती हूँ इनको बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है। पर्सनल लोन वाला ऑप्शन है और बिजनेस लोन वाला ऑप्शन है। आपको पर्सनल लोन चाहिए या फिर बिजनेस लोन चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा आपको पर्सनल लोन सेलेक्ट करना है। इस पर आपका ब्याज कम लगेगा, चार्जेस कम रहेंगे, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, व्हाट्स योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर स्टूडेंट हो, आप जो भी हो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। जैसे मैं हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो मैंने इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट को सेलेक्ट करोगे, सैलरीड हो तो इसको सेलेक्ट करोगे। मैंने इसको क्लिक कर दिया सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, सेलेक्ट प्रोफेशन टाइप, इस तरीके से। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, सेलेक्ट योर प्रोफेशन टाइप। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अब ये पूछेगा आप क्या करते हो, आप डॉक्टर हो, स्मॉल बिजनेस हो, ड्राइवर हो, हाउस वाइफ हो, आप क्या करते हो, आपका कैसा काम है, आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, आप जो भी आपका जो काम हो, जैसे मैंने वाला सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने ये इंटरफेस आ गया, देखो यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है। एंटर योर पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। जैसे कि देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। मैं तो अब ऑलरेडी डाल के रखा हुआ, पर मैंने उसको ब्लर कर दिया सिक्योरिटी पर्पज के लिए। आपको अपने हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना, जो कि आपके आधार कार्ड पर डली हुई है, सेम फिल करना है, बिल्कुल एक भी अच्छा मिसमैच नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना, आप किसके लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं, मेल या फीमेल के लिए, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना, आप ग्रेजुएट हो या फिर, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट, जो भी हो आपको अपने आप सेलेक्ट करना है। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। पर्सनल डिटेल्स आपको ध्यान से अच्छे तरीके से फिल करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने ऑप्शन है एंटर योर पर्सनल डिटेल्स फिर से। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है। आपको जिस भी पैन कार्ड के आधार पर आप लोन अप्लाई कर रहे हो उसका पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से एक एक अच्छा देख के फिल कर देना है। उसके बाद आपके सामने आएगा आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। आपके पैन कार्ड पर जो भी फर्स्ट नेम डाला है वो आपको फर्स्ट नेम फिल करना है, जो भी लास्ट नेम डाला है वो आपको लास्ट नेम फिल करना है अच्छे तरीके से। छोटी सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से फिल करनी है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आए, देखना एंटर कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है वो आपको फिल करना है। जैसे कि देखो यहाँ पर आपके सामने आएगा रेसिडेंट टाइप, ये आ रहा है, इस पर क्लिक करना सबसे पहले। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पूछेगा, देखो आप जिस घर में अभी के टाइम पर रहते हो आपका खुद का घर है या फिर आपके मम्मी पापा का घर है या फिर किसी रिश्तेदार का या फिर किराए का, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं जिस घर में रहता हूँ मेरा खुद का, तो मैंने सेल्फ होम लोन पर से क्लिक कर दिया। उसके बाद आपके सामने आप वहाँ पर कितने सालों से रह रहे हो, तो आपको इस पर ईयर सेलेक्ट करनी है, 1 साल से 6 महीने से 3 महीने से कितने साल से रह रहे हो आपको सेलेक्ट करना है। मैंने 2 ईयर को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है। आप जहाँ कहीं पर भी रहते हो इंडिया में अभी के टाइम पर, वहाँ का जो भी पिन कोड है आपको पिन कोड फिल कर देना है। भाई आपको अच्छी तरीके से अपने डिटेल्स को फिल करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने देख सकते इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा बैंक डिटेल्स, यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स डालनी है। कैसे डालोगे, जैसे कि देखो सबसे पहले आपको अपनी मंथली इनकम, आपकी मंथली इनकम कितनी है अभी के टाइम पर, चाहे आप जॉब करते हैं या फिर आपका खुद का काम है, कैसा भी आपका काम हो, आपकी मंथली सैलरी कितनी है आपको डालनी है। मेरी 15,000 है मैक्सिमम, तो मैंने 15,000 को फिल कर दिया। उसके बाद आपको सेलेक्ट योर बैंक, आपके पास कौन सा बैंक अकाउंट, अगर आपको यहाँ से लोन मिलेगा तो आप उसको किस बैंक में ट्रांसफर करोगे, वो आपको बैंक यहाँ पर सेलेक्ट करनी है सेकंड ऑप्शन में। इस पर क्लिक करके आप अपने बैंक को सेलेक्ट कर सकते हो, आपके पास कौन से बैंक का अकाउंट है, तो मैंने अपने बैंक को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद देख सकते ऑप्शन पूछेगा यू आर इंटरेस्टेड ए क्रेडिट कार्ड, अगर आपको क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट है तो यस करेंगे या फिर नो करेंगे, मैं नो कर दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, हर एक स्टेप को ध्यान से फिल करना, एक एक बार देख लेना हर अक्षर को, तब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा सबमिट लोन रिक्वेस्ट। देखो आपने जो भी डिटेल्स फिल की है सारी डिटेल्स का एक फॉर्म फिल हो चुका है, एक फॉर्म बन चुका है, आपने जो भी यहाँ पे डिटेल्स को फिल किया है। अब आपके सामने
फाइनल ऑप्शन आ चुका है सबमिट लोन रिक्वेस्ट। तो अगर आपको लोन लेना चाहते हो तो सिंपली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ये बड्डी एप्लीकेशन क्या करेगा, आपके फॉर्म का रिव्यू करेगा, जो भी आपने पर्सनल डिटेल्स को फिल किया है उसको रिव्यू करेगा सिर्फ 5 मिनट के अंदर। आपको 5 मिनट वेट कर लेना है, उसके बाद आपके सिविल स्कोर को चेक करेगा, आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करेगा, उसके बाद आपको जितने अमाउंट का लोन मिल सकता है, जैसे आपने मैंने 25,000 का लोन अप्लाई किया है, अगर मैं जैसे 25,000 के लायक नहीं हूँ, मुझे केवल 20,000 का लोन मिल सकता है मेरे सिविल स्कोर पर, तो ये क्या करेगा बड्डी एप्लीकेशन वो कंपनी आपके सामने सजेस्ट कर देगा जो कि आपको 20,000 का लोन दे सकती है। सो दोस्तों इस तरीके से बड्डी एप्लीकेशन क्या करता है कि आपके सामने वो कंपनी आ जाएगी जहाँ से आपको लोन मिल सकता है। तो सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको 5 मिनट वेट करना है, उसके बाद आपके सामने लोन का अमाउंट शो हो जाएगा, आपको कितने अमाउंट मिल सकता है और कौन सी कंपनी आपको दे सकती है, इस तरीके से आपको अप्लाई कर देना है। पर दोस्तों मैं जिनका लोन यहाँ पे अप्लाई किया उनको अब लोन की जरूरत नहीं है, मुझे आप अप्लाई नहीं करना, आपको डेमो दिखा रहा था कि आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो यार इस वीडियो को एक लाइक करना, और अगर अच्छा लगा हो, कोई जानकारी पसंद आई हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।